आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गाढ़ी रबड़ीदार सूजी की खीर की रेसिपी। बहुत ही झटपट सी बन के तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही झटपट से ही बन के तैयार हो जाती है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम देसी घी डाल देंगे। इस तरह से हमें देसी घी डाल देना है, घी हमारा मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी ली है, हमें इसको डाल के इसको अच्छे से भून लेना चलाते हुए। हमें बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं भूनना है, थोड़ा इसको हल्का ही भूनेंगे जैसे कच्चापन खत्म हो जाए। और कुछ हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसमें हमने काजू बादाम किशमिश भी लिया है, इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर आप चाहें तो और कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो अब वैसा ले लीजिए। आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए, हमारी सूजी का कच्चापन खत्म हो जाए और हमारे नट्स वगैरह भी जो है अच्छे से रोस्ट हो जाए। इस तरह से हमें इसको चलाते हुए बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। अब इसको बराबर से चलाते ही रहिएगा, आप हाथ को रोकिएगा नहीं, नहीं ये हमारी जो है सूजी कहीं जल के भून जाएगी और कहीं पर जल जाएगी। इस तरह से आप इसको हल्का सा कलर बदलते हुए इसको भून लीजिए। हमने सूजी को चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं अब सूजी हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है, एकदम ये भूनते हुए दानेदार हो गई है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमें सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, जितना आप हलवा बनाने के लिए भूनते हैं हमें उतना नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए हमें उतना ही भूनना है। अब इसको हम सूजी को एक बर्तन में निकाल लेंगे। जिस तरह से हमने सूजी को एक बर्तन में निकाल लिया है, उसी पैन में हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे। स्पून से लेंगे तो 4 से 5 स्पून हमने इसमें चीनी ली है। अब चीनी को हम इसी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे, इसको अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। इसका हमें एक तो कैरेमल बना लेना है इसी तरह से। अभी तो चीनी को बिल्कुल भी मत छुइए, जब ये हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगी तब इसको हम छुएंगे। इसी तरह से हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट होने देंगे। अब देख सकते हैं चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसी में हम यहीं पर इस टाइम पर 1 टी स्पून इसमें हम देसी घी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा। इसी तरह से अब इसको हमें बहुत अच्छे से इसका कैरेमल कर लेना है, एकदम हमारी चीनी का कलर एकदम बदल जाना चाहिए। इसी तरह से आप इसको चलाते हुए एकदम ब्राउन होने तक की इसको हम पका लेंगे। देख सकते हैं चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमारी चीनी का बहुत अच्छे से कैरमल बन के तैयार हो चुका है। अब इसी में हम 1 कप दूध डाल देंगे। दूध आप बहुत धीरे से डालिएगा, नहीं छींटे आपके ऊपर भी आ सकती है। इस तरह से हमें 1 कप दूध डाल देना है और वज़न में लेंगे तो ये हमारा 1/2 लीटर दूध है। फुल फैट दूध हमने लिया है, जिसको हमने बॉयल करके पहले से ही रख लिया था, इससे बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे फ्लेम को लो रखिए और अच्छे से जो है इसको मिला लीजिए, ताकि हमारा कैरमल जो है वो दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमें इसको धीरे धीरे आँच से मिलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं दूध में कैरमल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। जैसे ही हमारा कैरमल मिक्स हो जाएगा, दूध में हमारी एक बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो इसमें जो हमने अपनी सूजी और ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा था हमें उसको डाल देना है। हमें पूरा इसी में डाल देना है, डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स करते हुए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। 5 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से हमारी खीर बनके एकदम तैयार हो जाएगी। इसी तरह से बहुत ही मज़े की खीर ये बनके तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे इसमें थोड़े से जो है फ्लेवर के लिए यहाँ पे हम उसमें केसर के धागे डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको डालें, नहीं इसकी जगह पर आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से हम इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हमारी खीर को पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही ठीक हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून इसमें हम केवड़ा वाटर डाल देंगे, आपके पास जो हो वो डाल दीजिएगा। हमने इस तरह से इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़े का लगेगा। आप देख सकते हैं हमारी खीर बहुत ही अच्छे से ठीक हो चुकी है। इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी ये ठंडी हो गई है और भी गाढ़ी और मज़ेदार मतलब बन के तैयार हो जाएगी। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी खीर ठीक हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देना है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें, या फिर आप इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही स्टेज में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना ही झटपट से बनके तैयार हो गया है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है।
अब इसको हम थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ इसको हम सर्व कर लेंगे। इस तरह से आप इसको सर्व कर लीजिए।